उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतरे महेश चंद्र शर्मा का नामांकन मंगलवार को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। ऐसे में बीजेपी के 10 और सपा के दोनों सदस्यों का निर्विरोध चुना जाना तय है, जिसका प्रमाण पत्र गुरुवार को सौंप दिया जाएगा। इसी के साथ उच्च सदन में अब सभापति के पद को लेकर भी सपा और बीजेपी के बीच घमासान छिड़ सकता है, क्योंकि मौजूदा विधान परिषद के स्पीकर रमेश चंद यादव का कार्यकाल 30 जनवरी को पूरा हो रहा है और सपा ने उन्हें इस बार प्रत्याशी नहीं बनाया था। बता दें कि विधान परिषद में लगातार बीजेपी की ताकत बढ़ती जा रही है और सपा कमजोर होती जा रही है। इसके बावजूद अभी उच्च सदन में सपा के सदस्यों की संख्या काफी है। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।